गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्डेंट वेफेरर। टुडे इज़ माय सेकेंड डे एट अल्मोरा। तो आज का देखता हूँ, आज का कुछ प्लान्स तो है। अभी मैंने पहले भी जाना है ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ मैं आज क्या प्रोग्राम बनता है। तो व्यूअर्स, अभी आज का मेरा फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है जागेश्वर टेम्पल, जो यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है हरीश जी? यहाँ से होगा कम से कम 35-40 किलोमीटर है, तो एक सवा घंटा लग जाएंगे हमें। और उसके बाद कहाँ जा, चिताई गलू टेम्पल है। व्यूअर्स, आज मैंने लोकल ट्रैवल के लिए यहाँ पे एक मैंने टैक्सी लिया है और हरीश जी है मेरे साथ। ये हरीश जी आज मुझे घुमाएंगे पूरा यहाँ, जगेश्वर हो गया, दो चार और भी जगह है। तो ये है, मिलिए इनसे। ये है हरीश जी। तो हरीश जी, आप यहीं के रहने वाले हो ना? जी जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मतलब बिल्कुल जन्म से ही, मतलब पैदाशी मेरी पैदाशी। हाँ नहीं नहीं है, बहुत अच्छा जगह है वैसे तो, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, अच्छा जगह है। व्यूअर्स, आप लोगों को एक चीज अपडेट देता हूँ, जो जागेश्वर का टेंपल है ये एक्चुअली उसमें टोटल 124 छोटे बड़े मंदिर, मतलब वहाँ पे है। कुछ छोटे होंगे उसमें, कुछ बड़े होंगे उसमें। और ये टेंपल 7-14 सेंचुरी के बीच में बना था, ये काफ़ी पुराना है। और ये नागारा एक जो आर्किटेक्चर है, ये नागारा स्टाइल में बना हुआ है। तो वो तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा जब वहाँ पहुँचेंगे, और इन बिटवीन आप लोग देखते रहिए यहाँ का नज़ारे उत्तराखंड की। मैं ना यहीं से पैदल जा रहा था, तो व्यूअर्स ये जो जगह है, जो लोग वहां से शेयर कैब में आना चाहते हैं, जो कसार देवी से या अल्मोरा से ना, वो लोग आगे वहीं पे उतर जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है ये वाला जो रास्ता है, आपको यहाँ पे कोई शेयर कैब कुछ नहीं मिलेगा। या तो अगर किसी लोकल से आप लिफ्ट ले सकते हो, या तो आपको पैदल जाना पड़ेगा करीब 2-2.5 किलोमीटर। ये आप लोगों को अपडेट करना था मुझे, क्योंकि ये मुझे पता है ये जगह किसकी, यहाँ के बारे में मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया मेरे को। इसे आप लोग कौन सी पेड़ कहते हो इस वाली? यहाँ देवदार, ये है देवदार की। मतलब यहाँ पे बहुत सारे देवदार है, बिल्कुल मतलब इसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक पेड़ ऐसा है ना सर, यहाँ एक पेड़ पे 5 पेड़ आए हैं, उसको पांव पांडे बोलते हैं। अच्छा है,
तो व्यूअर्स अभी मैं प्रवेश कर चुका हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ का एक मैप है, तो आइए अंदर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर यहाँ पे इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, 124 टेम्पल्स है टोटल। इतनी घने देवदार पेड़ का जंगल मैंने पहली बार देखा यहाँ पे उत्तराखंड में। यह लकुलिश टेंपल, लकुलिश टेंपल। संडेश्वर टेंपल। व्यूअर्स आप लोग समझ सकते हो कि ये कितनी पुरानी है, 17th से 14th सेंचुरी के बीच में ये सारे टेंपल्स बनी थी। ये है केदारनाथ टेंपल, अन्नपूर्णा मंदिर। तो व्यूअर्स ये है नंदा देवी का टेंपल और नवदुर्गा टेंपल। व्यूअर्स ये है मेन जो मंदिर है जागेश्वर के। अब इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, अंदर का तो दिखा नहीं पाया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बट अंदर भी अच्छा है, काफी प्राचीन मंदिर है।
यह है नवग्रह मंदिर। व्यूअर्स यह है महामृत्युंजय मंदिर टेंपल। यहाँ का भी दर्शन कर दिया। अब आगे इस साइड में भी एक टेंपल है, वहाँ चलते हैं। व्यूअर्स तो ये रहा जागेश्वर टेंपल, जागेश्वर महादेव टेंपल। बहुत अच्छा लगा ये प्राचीन मंदिर देख के। यहाँ आपको काफ़ी सारे होटल्स गेस्ट हाउस मिल जाएगी आपको, और छोटा मोटा सारे सामान मिल जाता है यहाँ पे। Thank you.